मैं प्रिया तायल, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। गोरखनाथ मंदिर में हुए हमले में लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। एटीएस की टीम हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा की जन्म कुंडली खंगाल रही है, जिससे सबको हैरत में डाल देने वाली बातें सामने आ रही है। ऐसा ही एक सर्च पुलिस की जांच पड़ताल में सामने आया है। दरअसल एटीएस की एक टीम अहमद मुर्तजा के ससुराल जौनपुर पहुंची, तो वही एक टीम मुर्तजा के घर पर छानबीन करने पहुंची थी। छानबीन के दौरान घर से एयर गन बरामद हुई है। ऐसा बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से मुर्तजा घर की छत पर एयर गन से निशानेबाजी सीख रहा था। वहीं अहमद मुर्तजा अब्बासी का लोन वुल्फ अटैक का कनेक्शन भी सामने आया है। ऐसा कहा जा रहा है कि मुर्तजा लोन वुल्फ अटैक के तौर तरीके इंटरनेट पर ढूंढता था। अब सवाल ये है कि लोन वुल्फ अटैक क्या है, चलिए आपको इस बारे में बताते हैं। आखिर लोन वुल्फ अटैक क्या है और उसने आतंक की दुनिया में पैठ कैसे बनाई। लोन वुल्फ अटैक के नाम से ही साफ हो रहा है कि अकेले ही हमले करने को अंजाम देना। लोन वुल्फ अटैक की खासियत ये होती है कि हमला करने वाला अकेला होता है और अकेले शख्स को ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाना होता है। जैसे कि हम सभी ने गोरखनाथ मंदिर में देखा, गोरखनाथ मंदिर परिसर में मुर्ताज ने सिपाही पर धारदार हथियार से हमला किया। ठीक वैसे ही लोन वुल्फ के आतंकवादी हमला करते हैं। ये आतंक फैलाने का एक नया तरीका है। दरअसल आतंकवादी संगठन किसी ऐसे शख्स का ब्रेन वॉश करते हैं जो किसी आतंकवादी संगठन से नहीं जुड़ा होता, क्योंकि ऐसे लोग आसानी से सुरक्षा एजेंसियों की नज़र में नहीं आते और ऐसे लोगों से हमला करवाना भी आसान होता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ काउंटर टेररिज्म की एक स्टडी के मुताबिक लोन वुल्फ अटैक में ज़्यादातर पढ़े लिखे लोगों को शामिल किया जाता है, जिसके साथ ही एक बात सामने आई कि इस तरह के हमले में ज़्यादा सामान्य हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि चाकू, धारदार हथियार का इस्तेमाल होता है। अगर बात करें कि दुनिया में पहला लोन वुल्फ अटैक कब हुआ था, तो पहला हमला 15 नवंबर 1988 को दक्षिण अफ्रीका के प्रेटोरिया में हुआ था। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि गोरखनाथ मंदिर का लोन वुल्फ से कनेक्शन है। वहीं इस हमले में अहमद मुर्तजा पर मंदिर के बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने के मामले में 2 केस दर्ज हुए हैं। साथ ही आरोपी के पास से एक नहीं बल्कि 3 धारदार हथियार बरामद हुए हैं। क्या कहना है आपका इस खबर पर, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताएं।